फटी हुई एड़ियाँ वो तकलीफ होती है जो आपके खूबसूरत पैरों में एक बदनुमा एहसास छोड़ जाती है। पैर आपके मुलायम हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन वो फटे होते हैं तो आप इन्फेक्शंस को भी प्रोन होते हैं और आप पेन को भी प्रोन होते हैं और वो कॉस्मेटिकली भी वो अच्छा नहीं रहता है। आज हम आपकी समस्या का निवारण एक रुपए के नुस्खे में करेंगे। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे फटी हुई एड़ियों की। आपके पैर खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन खूबसूरत या मुलायम पैरों में क्रैक्स हों और उससे आप परेशान रहते हों। पेन भी ऐसी स्थिति में आपको पैर में होता होगा और देखने में भी बुरे लगते हैं और इन्फेक्शियस भी हैं। आपको इससे कोई भी इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। आज जब इन्फेक्शंस का दौर है तो हमें इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए आपके लिए हम ये नुस्खा लेकर आए हैं। बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है, एक रुपए का घरेलू नुस्खा है, लेकिन काम ये हजार रुपए के बराबर करता है, क्योंकि आप पैराफिन वैक्स लगाते लगाते, ऑइंटमेंट्स लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपके फटे हुए पैर ठीक नहीं होते हैं। बहुत ही कारगर इलाज है साथियों। अपने किचन में छुपे घरेलू नुस्खे में जो आप इसको लाभ देगा। और साथियों, आज से हम एक सेक्शन और इसमें ऐड कर रहे हैं। हम आपको साथ में होम्योपैथिक दवा भी बताएंगे। यह आपको लाभ देगी, आपके लिए लाभप्रद होगी और सब मिलके आपको ठीक करेंगे। तो साथियों, चलते हैं उस अद्भुत नुस्खे की ओर जो बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है, एक रुपए से कम का घरेलू नुस्खा है, लेकिन काम हजार रुपए के बराबर करता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी एक हफ्ते के अंदर आपकी फटी एड़ियों को ठीक करने या उसमें राहत देने में आपको लाभकारी होगा। और इसके लिए साथियों, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको सिर्फ लेना है एक केला, यानी बनाना। एक बनाना आपको लेना है, पका हुआ केला जो नॉर्मली हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, वह पका हुआ एक केला लेना है। उसको मैश कर लेना है। मैश करके जब वो थोड़ा सा उसका पेस्ट नुमा बन जाएगा, उसको आपको अपने फटे हुए जो क्रैक्स हैं हील के, उन पे अप्लाई कर देना है और उसको लगा रहने देना है आपको 10 मिनट। और 10 मिनट बाद साथियों, आपको नॉर्मल वाटर से उसको साफ कर देना है। आप देखेंगे ऐसा रोज प्रतिदिन जब आप एक हफ्ते 15 दिन तक करेंगे तो आपके पैरों के क्रैक्स खत्म हो चुके होंगे और आपको लाभ हो चुका होगा। बहुत साथियों, अद्भुत नुस्खा है, क्योंकि आपको ये नुकसान कुछ नहीं करेगा और फायदा बहुत करेगा। और साथियों, हम आपको ये भी बताते हैं कि यह क्यों ऐसा फायदा होगा। ऐसा फायदा साथियों इसलिए होगा क्योंकि बनाना में पाया जाता है ब्रोमलीन नाम का कंपाउंड, और यह ब्रोमलीन बहुत लाभकारी होता है आपके टिश्यू को हील अप करने में। याद रखिए, बोरोलीन से याद रखिए, हालांकि बोरोलीन और ये अलग दो बातें हैं, लेकिन यह जो ब्रोमलीन कंपाउंड होता है केले में, यह आपको बहुत लाभ देगा और आपके फटी एड़ियों को ख़त्म करेगा। साथ में साथियों, एक होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हील क्रैक की, और वह है पेट्रोलियम। अगर आप पेट्रोलियम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली लेते हैं तो इससे भी संभावना है कि आपके फटी हुई एड़ियां ठीक हो जाएंगी। ये साथियों खूबसूरत सा नुस्खा था केले वाला, इसको आप अप्लाई करिएगा अगर आपके हील क्रैक्स रहती हूँ, और हमको बताइएगा आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा, अन्य मित्रों से, साथियों से, अपने रिश्तेदारों से, परिवार वालों से सब्सक्राइब कराइएगा, और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों, इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।